नगर निगम रिसाली से लगे बोरसी में सनातन धर्म के महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से सनातन धर्म के सदस्य शामिल हुए। इस महासभा का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सनातन धर्म से जोड़ना है तथा सनातन धर्म की रक्षा हेतु व छत्तीसगढ़ में फैली अराजकता को दूर करना है। इस कार्यक्रम में सनातन धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण मिश्रा के नेतृत्व में तन मन धन से कार्य करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की जानकारी आयोजकों ने कुछ इस प्रकार से दी। सनातन धर्म परिषद के अनुसांगिक संगठन सनातन धर्म पुरोहित महासभा के कार्यक्रम में मैं आज उपस्थित हुआ। इसमें सनातन धर्म परिषद से संबंधित जो भी इसके अनुसांगिक संगठन है, इसमें मुख्य सनातन धर्म पुरोहित महासभा है, महिला प्रकोष्ठ है, रक्षा वाहिनी है, सबके विस्तार के उद्देश्य से आना हुआ। इसमें सनातन धर्म की रक्षा करने के जो विभिन्न आयाम हमारे शास्त्र में दिए गए हैं, उसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने की आए। जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो हमारे छत्तीसगढ़ में पंडित अरुण मिश्रा जी को जो जवाबदारी सौंपी गई है, उसके लिए हम सब एक तन मन धन से सब संगठित होकर अपने सनातन धर्म के लिए जो भी कुछ करना पड़े सब उसके लिए मतलब एक संकल्प लेकर चल रहे हैं कि कैसे हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए और संगठित किया जाए। जो कुछ हमारे समाज में कुछ गलत प्रीतियां फैलाई गई है वो ब्राह्मण लोगों के मन से दूर किया जाए। धन्यवाद। यह प्रोग्राम सनातन धर्म द्वारा आयोजित है, ये राष्ट्रीय प्रोग्राम है जिसमें हम ये महिला प्रमुख, मैं डॉक्टर किरण बाला पटेल हूँ जो प्रदेश अध्यक्ष है, यहाँ पर हमारे साथ मेरे संगठन की और महिलाएं हैं। हमारी पहली कोशिश है कि हम हिंदू धर्म में जितने भी होने वाले अच्छी चीजों को प्रचार प्रसार करें, हमारे बच्चों में हमारे परिवार में सारे संस्कार को और उन्नत करें। हम अपने हिंदू धर्म और सनातन धर्म को प्रचार करने की एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जस्ट हमारी शुरुआत है ये, और हम सभी से शुभकामनाएं चाहेंगे और हमारी कोशिश में वो ज्यादा से ज्यादा साथ रहें। देखिए, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ को प्रणाम करना चाहूँगी, पूरे भारतवर्ष को प्रणाम करना चाहूँगी। और सनातन धर्म का ये प्रोग्राम रखा गया है, सनातन का मतलब होता है कभी ना अंत होने वाला धर्म, वो है सनातन धर्म। और सनातन का वैकल्पिक जो शब्द है वो हिंदुत्व है। आज हम हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार के लिए हमने रखा है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इससे सबको पता चलेगा और सब जुड़ते जाएंगे। कारवा जोड़ना चाहिए क्योंकि इसका स्थापित ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया है, और हम आज सनातन धर्म के मंच पे उपस्थित इसीलिए हैं कि हम सबको बोल सके और सबको समझा सके आखिर सनातन धर्म क्या है। अच्छी सोच, सच्चाई, ईमानदारी, ये एक सनातन धर्म है। देखिए, 4 महीने में के अंदर हमारा दूसरा ये सनातन धर्म का महासभा हम करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को हमारे संस्था से जोड़ना है, जिससे हमको सनातन धर्म की रक्षा हेतु जो अराजकता हमारे छत्तीसगढ़ में फैली हुई है उसको दूर करना है। ये हमारा धर्म सभा का आयोजन हो रहा है रिसाली बोरसी में नरनारायण मंदिर में। इसमें हमारे मुख्य अतिथि मुख्य तौर से जो हमारे संस्था के संस्थापक भी हैं, श्री श्री 108 अवध बिहारी दास जी मौजूद हैं जो कि गोरखपुर से पधारे हैं, एवं महामंडलेश्वर श्री श्री सत्यानंद महाराज जी भी गाजीपुर से यहाँ पधारे हैं, और ऐसे बहुत सारे महान महान संत हैं जो कि हमारे धर्म सभा में पधारे हैं छत्तीसगढ़ की पावन धारा पे। ये कार्यक्रम का आयोजन बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि जो भारत में सनातन धर्म का राष्ट्रीय गठन किया गया है, धर्म के प्रति जागरण के लिए, सनातन धर्म को जगाने के लिए, सभी समाज को एक साथ लेके धर्म को हृदय में जगाते हुए देखते हुए हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और महंत संतों ने इसे गठन किया है, और छत्तीसगढ़ में भी यह गठन करके ये दूसरा कार्यक्रम किया जा रहा है। आज बड़ा ही सौभाग्य का अवसर है कि नर नारायण मंदिर जो बोरसी में है, यहाँ पर ये कार्यक्रम में हमारे पूरे पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर प्रदेश के पदाधिकारी और महिला प्रकोष्ठ की जो भी गठन किया गया है।